सर्दी के मौसम में हमें स्टाइलिश जैकेट्स एंड स्वेटर्स पहनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अरेंज एवरीथिंग एट वन प्लेस तो हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन हैक्स, जिससे आपका अलमीरा क्लटर फ्री एंड ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजीपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगेन ये एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन है एंड जो अलमीरा है वो वॉल माउंटेड है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दिस इज़ माई अलमीरा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एथनिक एंड वेस्टर्न सब कुछ एक ही जगह पे मैंने रखा है। ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली में हमारे पास वॉकिंग क्लोज़ेट नहीं होता, तो हमारे पास यही होता है, हमें इसमें ही अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्मी के सारे कपड़े मैंने रखे हुए हैं, तो इनको मैं सबसे पहले हटा लूँगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास बहुत सारे मेटल के ट्रंक्स हैं, तो मैं अपने गर्मी के सारे कपड़ों को पैक करके अच्छे से मैंने ट्रंक में रख दिया है। अब नेक्स्ट बारी आती है इन साड़ियों की, तो इन साड़ियों को मुझे ऑब्वियसली कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है इन साड़ियों की, तो इसको मैं ट्रंक में नहीं रख सकती, इसे मुझे हैंडी रखना होता है। तो इसके लिए मैं इनको ऐसे पॉलीथीन में तो नहीं अरेंज कर सकती, तो इसके लिए मैंने मंगाया है ये साड़ी के लिए बैग, जिसमें आप अपनी साड़ी को अच्छे से हैंग कर सकते हैं एंड ये प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड ये जो आपको प्लास्टिक की शीट दिख रही है, इससे आपकी साड़ी विजिबल भी रहेगी। अब नेक्स्ट जो आइटम है वो है ये साड़ी बैग, जो कि है 3 का सेट, एंड इसके साथ आपको 2 ब्लैंकेट कवर का भी सेट मिलता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा साड़ियाँ हैं उनको मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें पैक कर दूँगी एंड अलमीरा में सामने की तरफ रख दूँगी, जिससे कि मुझे हर बार एक एक साड़ी हटा के नहीं चेक करना पड़ेगा कि कितनी साड़ियाँ हैं। तो टोटल इसमें मैंने अभी 6 साड़ियाँ रखी हैं एंड इसको मैं अलमीरा में यहाँ सामने रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि सामने से कितने अच्छे से विजिबल है। तो अब मेरे पास काफ़ी स्पेस हो चुका है, तो मैं अपने सारे जो भी विंटर वेयर्स हैं उनको यहाँ पे मैं हैंगर की हेल्प से हैंग कर दूँगी। तो नेक्स्ट मैंने जो ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, ये 6 का सेट है विथ 3 डिफरेंट साइज़ेस। तो जब मैं ऑफिस जाया करती थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं बहुत अच्छे से अपने लेगिंग्स को ढूंढ सकूं, तो मैं अपने लेगिंग्स को कुछ इस तरीके से रोल करके स्टार्टिंग से ही रखा करती थी, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो लेगिंग्स होता है वो अरेंज्ड होता है एंड वो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे जो स्टोल्स एंड स्कार्व्स हैं उनको यहाँ पे मैं रखूँगी। सेम मेथड मैंने यहाँ पे भी फॉलो किया है। इस मेथड से आपकी चीज़ें बहुत ही ईजिली आपको मिल जाती हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा फोल्ड करके सतह बाय सतह रखना नहीं पड़ता। तो वार्डरोब में सबसे ज़्यादा खोने वाली चीज़ है अपनी कैप्स, सॉक्स, मास्क एंड ऑफ़ कोर्स हमारे टैंक टॉप्स। तो इन सबको भी मैं इस तरीके से अरेंज करके यहाँ पे रख रही हूँ। तो अब जो अगला ऑर्गेनाइज़र है वो है आपको एक्चुअली में लॉन्जरी ऑर्गेनाइज़र, बट मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपने सारे हेयर रिलेटेड आइटम्स को अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ अपना स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर वगैरह। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। इनफैक्ट थोड़ा स्पेस भी है, जिसमें अगर आपके पास कुछ और है तो आप उसे भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये 3 का सेट है, जिसके साथ आपको 2 ब्लैंकेट कवर्स भी मिलते हैं। तो ये है वो ब्लैंकेट कवर। तो हमें सर्दियों में ब्लैंकेट में अंदर घुस के सोना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉम्फी एंड कोजी फील होता है, बट जब उन्हें फोल्ड करके अरेंज करने की बारी आती है तब हमारी
सच में जान जाती है। तो इस टाइम पे आप इस तरीके के बैग्स ले सकते हैं एंड इसमें अपने ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके रख सकते हैं। कितनी बार हमारे पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्लैंकेट्स होते हैं फॉर गेस्ट वगैरह, तो उन ब्लैंकेट्स को आप इसमें अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। आप इस कवर में एटलीस्ट 4 to 5 ब्लैंकेट्स आराम से पैक करके रख सकते हैं। एंड सामने जो प्लास्टिक शीट है इसकी वजह से हमारे ब्लैंकेट्स भी विजिबल हैं कि इसमें कौन सी ब्लैंकेट्स हमने पैक करके रखा है। तो मेरा सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है एंड अब हम चलते हैं मेन वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये है मेरे हस्बैंड का अलमीरा जिसको हमने दुनिया की नज़रों से छुपा के रखा था, बट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को यहाँ से निकाल दूँगी। अच्छा, जो लोग मुझे जज करने वाले हैं कि मैं अपने हस्बैंड का अलमीरा नहीं अरेंज करती, तो मैं बता दूँ कि मुझे स्ट्रिक्टली मना है उनके अलमीरा को टच करना। तो हमने सारी चीज़ों को हटा दिया है। अब सबसे पहले हम अरेंज करेंगे यहाँ पे जितने भी ब्लेज़र एंड कोट्स हैं। तो उसके लिए मैंने मंगाए हैं ये कुछ बैग्स जिसमें आप अपने ब्लेज़र एंड कोट्स को अच्छे से पैक करके हैंग कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्रंट ओपन ऑर्गेनाइज़र जिसमें आप अपने शर्ट या पैंट को स्टैक करके अरेंज कर सकते हैं। अब जो अगला ऑर्गेनाइज़र है वो है ये एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र जिसको आप अपने वार्डरोब में हैंग कर सकते हैं एंड इसमें आप अपने सारे कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है तो नीचे हमारे पास काफ़ी स्पेस हो गया है जहाँ पे हम अपने इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स को भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी हाइट कम है तो हम अपने हैंगर में टी शर्ट्स को कुछ इस तरीके से हैंग करेंगे। हम पूरा ओपन यहाँ पे हैंग नहीं करेंगे, इस तरीके से अगर हम हैंग करते हैं तो कपड़े उतने ही हैंग होंगे एंड नीचे हमारा फ्लोट नहीं करेगा, नीचे वाला जो ऑर्गेनाइज़र है उसको ये टच नहीं करेगा एंड सब कुछ बहुत अच्छे से क्लटर फ्री एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे स्पेस है, वो एक दूसरे को बॉदर नहीं कर रहे हैं।
तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो. इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. तो अगले वीडियो का मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, जो कि है 10 इजी किचन DIY. तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.